नमस्कार दोस्तों, सरजी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो देखिए, दिल्ली सबॉर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की तरफ से जो है असिस्टेंट इंजीनियर की वैकेंसी निकाली गई है सिविल और इलेक्ट्रिकल वालों के लिए। जैसे कि आपका जेई की वैकेंसी निकाली गई थी, तो उसी तरीके से आपका देखिए यहाँ पे असिस्टेंट इंजीनियर का भी निकाला हुआ है इन्होंने। तो आप लोग जो है यहाँ पे आके देख सकते हो इसके रिगार्डिंग डिटेल एडवर्टीजमेंट, तो इसमें आपको पूरा कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पे बात करते हैं आपका, तो इसमें देखिए जो आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन जो स्टार्ट आपका होगा ये, और 10 जनवरी से आपका स्टार्ट हो जाएगा, और जो है लास्ट डेट इन्होंने दिया हुआ है वो है आपका 9 फरवरी 2022 तक का। तो डेट इन्होंने आपका ऑलरेडी दे दिया है कब से फॉर्म फिल आपका होंगे। और यहाँ पे देखिए जो असिस्टेंट इंजीनियर का जो कि आपका वैकेंसी निकाला गया हुआ है, इसमें देखिए सिविल का है, आप देख सकते हैं यहाँ पे डिपार्टमेंट वाइज जो है वैकेंसी आपका डिस्ट्रीब्यूट किया गया। तो टोटल जो है आपका 151 वैकेंसी है, और आप कैटेगरी वाइज भी देख सकते हो और कौन से डिपार्टमेंट में जो है यहाँ पे कितनी वैकेंसी है, ये भी आप सबको देख सकते हो। और सभी के लिए जो है इन्होंने क्वालिफिकेशन भी दिया हुआ है कि इन सब के लिए क्वालिफिकेशन आपका क्या होना चाहिए। और इसके रिगार्डिंग देखिए एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग इन्होंने मेंशन किया हुआ है कि जो एग्जामिनेशन आपका होगा तो ये टायर 1 और टायर 2 का आपका होगा रिक्रूटमेंट के लिए, ये जो वैकेंसी आपकी यहाँ पे निकाली गई है। और यहाँ पे देखिए बात करते हैं आपका जो आपके इन्होंने वैकेंसी जो निकाला हुआ डिपार्टमेंट वाइज, तो सभी के लिए इन्होंने यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन से रिलेटेड इन्होंने मेंशन करके दे दिया है कि आपके पास क्या होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है आपका, जो पहला आपका है इसके अंदर में टोटल जो 38 वैकेंसी है आपका नॉर्थ दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के अंदर में, तो इसके लिए जो असेंशन क्वालिफिकेशन है तो वो है आपका डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग। तो डिग्री आपका होना चाहिए सिविल इंजीनियरिंग से, और साथ में 2 साल का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस भी आपके पास होनी चाहिए। तो ये तो आपका एसेंशियल में है, ये सभी के पास होना चाहिए, मैंडेटरी है, तो ही जो है आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। और एज लिमिट की बात करते हैं तो देखिए आपका 18 से 30 साल के बीच में है आपका यहाँ पर, ये जनरल के लिए है। और बाकी जो OBC और जो ST SC है, तो उनको जो गवर्नमेंट की तरफ से जो बेनिफिट मिलती है एज में, तो वो तो आपको मिलेगा ही। उसी तरीके से साउथ दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में देखिए यहाँ पे जो टोटल एक वैकेंसी थी इसमें भी डिग्री ही मांगा हुआ है सिविल इंजीनियरिंग में, 2 साल का आपका पास प्रोफेशनल एक्सपीरियंस होनी चाहिए, 18 से 30 इसमें भी आपका है। इसी तरीके से आप यहाँ पे और देख सकते हो जो ईस्ट दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है, जिसमें कि आपका टोटल 39 वैकेंसी है इसके अंदर में, तो इसमें भी देखिए जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन आपका जो है डिग्री है सिविल इंजीनियरिंग से, और 2 साल का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस, और एज लिमिट वही आपका 18 से 30 साल के बीच में है आपका इसके अंदर में। और भी आप देख सकते हो जैसे कि आपका न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है, टोटल 43 वैकेंसी है, और इसमें देखिए जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन इन्होंने जो मांगा हुआ है आपका, तो इसमें है आपका फर्स्ट क्लास और सेकंड हाई क्लास यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट सिविल इंजीनियरिंग में आपका होना चाहिए कोई भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, और इसके साथ में जो है आपने जो है ए और बी एग्जामिनेशन को आपने पास किया होगा इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स का, और 3 साल का एक्सपीरियंस आपको चाहिए सर्विस का इसके अंदर में। तो ये जो है इसके क्वालिफिकेशन कुछ अलग टाइप का दिया था, आप लोग देख लेना अगर आपका इसके अंदर में है तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। 18 से 30 इसका भी वही सेम एज लिमिट है आपका। और इसके बाद और जो आपके दिए हुए हैं तो इसके रिगार्डिंग यहाँ पे आप देख सकते हो दिल्ली जल बोर्ड का आपका यहाँ पर है टोटल 30 वैकेंसी है। तो इसमें देखिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन, इसमें देखिए यहाँ पे इन्होंने जो है सिंपली डिग्री मांगा हुआ है आपका इन सिविल इंजीनियरिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, इसमें देखिए कोई भी एक्सपीरियंस इन्होंने नहीं मांगा हुआ है, और एज लिमिट 18 से 30 के बीच में ही है। तो इसमें देखिए जिनका जैसे कि उनके पास कोई अगर एक्सपीरियंस नहीं है तो आप लोग इसमें भर सकते हो, दिल्ली जल बोर्ड जो आपका है इसके अंदर में टोटल जो 30 वैकेंसी है आपकी, तो इसमें जो है देखिए कोई भी आपसे इसमें नहीं मांगा हुआ, इन्होंने एक्सपीरियंस नहीं मांगा हुआ है, तो इसमें आप अप्लाई कर सकते हो। और यहाँ पे देखिए हम बात करते हैं आपका एप्लीकेशन फीस का, तो देखिए जो एप्लीकेशन फीस है तो वो 100 रुपीज़ है यहाँ पर, और जो विमेन कैंडिडेट है और जो कैंडिडेट बिलोंग करते हैं ST SC और PWD जो कैंडिडेट है, तो उनको जो है एग्जेम्प्ट किया गया है यहाँ पे एप्लीकेशन फी पे करने से। और यहाँ पे देखिए एग्जाम स्कीम की हम बात करते हैं, तो देखिए जो एग्जामिनेशन आपका होगा तो ये टायर 1 और टायर 2 दो एग्जामिनेशन आपके होंगे। तो टायर 1 में देखिए यहाँ पे जो है इसमें आपका सेक्शन A है और सेक्शन B है, तो सेक्शन A में आपका यहाँ पे नॉन टेक्निकल पोर्शन है जिसमें कि आपका है यहाँ पे जनरल अवेयरनेस, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, अर्थमेटिक एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी, हिंदी लैंग्वेज है आपका कम्प्रिहेंशन, और साथ में इंग्लिश लैंग्वेज और कम्प्रिहेंशन का है 20-20 मार्क्स का आपका, ये दोनों रहेंगे। और ड्यूरेशन रहेगा आपका 2 आवर्स का रहेगा इसके अंदर में। और देखिए यहाँ पे टोटल जो क्वेश्चन है आपका तो वो 100 क्वेश्चन आपके रहेंगे, 100 मार्क्स के रहेंगे। और इसी में देखिए सेक्शन B में ही है आपका, ये इसी में इंक्लूडेड है आपका, तो इसमें देखिए जो है ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपके होंगे सब्जेक्ट कंसर्न से,
जो कि आपका ये फर्स्ट टाइम जो क्वालिफिकेशन आपका उसी से आपका आएगा, ये 100 मार्क्स का रहने वाला है, इसमें टोटल 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के, तो टोटल आपका 200 मार्क्स का हो गया। लेकिन टाइम देखिए दोनों सेक्शन के लिए आपके पास 2 आवर्स का ही इन्होंने दिया हुआ है, तो आपको जो इसमें स्पीड मेंटेन करके चलना होगा। और जो टायर टू है आपका, तो इसमें देखिए इसमें भी इन्होंने जो है दिया हुआ है आपका पार्ट वन और पार्ट टू करके, इन्होंने भी दिया हुआ है आपका जो टायर टू है। तो पार्ट वन में इसमें देखिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपके आएंगे, इंटायर सिलेबस है जो क्वालिफाइंग सब्जेक्ट आपके उससे आएंगे 100 मार्क्स का, इससे भी आपका आएगा। और इसमें 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स का, और जो नीचे है आपका पार्ट टू, तो इसमें देखिए ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपके आएंगे, इसमें जो है आपसे ये सारे चीज पोर्शन आपके क्वेश्चन पूछेंगे जो इन्होंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है आपका, जो आपका सब्जेक्ट है उसी से ही टेक्निकल से ही आपके आएंगे, इसके साथ में और भी ये सारे पोर्शन से ये पूछेंगे, तो ये आपका 200 मार्क्स का रहने वाला है। तो इस तरीके से इसमें देखिए आपका 100 क्वेश्चन लेकिन 200 मार्क्स का रहेगा, तो टोटल जो है आपका टायर टू जो है ये आपका 300 मार्क्स का हो गया, और टाइम है आपके पास 3 आवर्स का, तो 2 टीयर में एग्जामिनेशन आपके होने वाले हैं, तो ये चीज़ इन्होंने क्लियरली मेंशन करके दे दिया। और क्वेश्चन पेपर जो है आपका, तो ये देखिए हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपका ये आएगा, तो किसी कोई दिक्कत नहीं होगी क्वेश्चन पेपर से। उसी तरीके से देखिए आप जो है वापस साइड पे जाने के बाद इलेक्ट्रिकल वालों का भी आप देख सकते हो, सेम इसमें भी वही सेम सिनेरियो है आपका, 10 जनवरी से स्टार्ट होगा आपका, 9 फरवरी को लास्ट डेट फॉर्म अप्लाई करने का। तो इसमें देखिए जो असिस्टेंट इंजीनियर की जो वैकेंसी है आपका इलेक्ट्रिकल ब्रांच वालों का, तो आप डिपार्टमेंट वाइज देख सकते हो, टोटल जो है यहाँ पे इन्होंने 10 वैकेंसी निकाली हुई है, और ये है आपका इलेक्ट्रिकल ब्रांच वालों का। और आप लोग जो है क्वालिफिकेशन में भी देख सकते हो, इसमें इन्होंने डिग्री मांगा आपका इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग सबका होना चाहिए, और जिसमें भी देखिए इन्होंने एक्सपीरियंस मांगा हुआ है आपका नॉर्थ दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में, इसमें 2 ईयर का एक्सपीरियंस भी आपका होना चाहिए। और इसके बाद जो ईस्ट दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है जिसमें कि आपका इसमें 5 वैकेंसी है, तो इसमें भी डिग्री आपका होना चाहिए, जिसमें कि इन्होंने देखिए इन्होंने सिविल मेंशन करके दिया हुआ है, यहाँ पे देखिए कुछ इन्होंने मिसप्रिंट किया होगा, सिविल मेंशन करके दिया होगा, तो ये आप लोग देख लेना, जब भी आप लोग फॉर्म अप्लाई करोगे तो वो जो है आपका उस समय आइडिया आपको हो जाएगा। यहाँ पर एक्सपीरियंस इसमें भी इन्होंने मांगा हुआ है जो 5 वैकेंसी है इसके अंदर में। इसके बाद देखिए यहाँ पे जो आपका साउथ दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है, जिसमें कि इसमें आपका देखिए कोई वैकेंसी नहीं है, मे भी हो सकता है कि लेटर ऑन जो है इसके अंदर में ऐड कर दे, इसमें भी उन्होंने सिविल ही मेंशन करके दिया हुआ है। और इसके साथ में देखिए नीचे जो है आपका यहाँ पर दिल्ली एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड, तो इसमें अभी कोई वैकेंसी नहीं है, लेकिन हो सकता है बाद में ये निकाले इसमें अंदर में, तो इसमें इन्होंने डिग्री मांगा हुआ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से। तो ये तो आपका देखिए इसके अंदर में आपका था जो मतलब इन्होंने इलेक्ट्रिकल के लिए जो आपका वैकेंसी ये निकाला हुआ था, तो इसमें अभी देखिए इन्होंने 10 ही मेंशन करके दिया हुआ है टोटल जो इलेक्ट्रिकल वालों के लिए है ये, बट लेटर ऑन हो सकता है कि इसमें आपका इंक्रीमेंट हो जाए। तो इसमें भी देखिए वही सेम सिनेरियो है, एग्जामिनेशन आपका टायर वन और टायर टू उसी तरीके से होंगे जिस तरीके से सिविल का आपने देखा था अभी, तो वही सेम पैटर्न है इसका भी एग्जामिनेशन का। तो ये तो दोनों वैकेंसी का आपका अपडेट था, तो अगर आपको कोई और भी डाउट रहता है तो आप लोग कमेंट करना, हम इसका रिप्लाई आपको जरूर देंगे।